साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी इन हिंदी चैनल पर। मित्रों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने, जो कि आधार कार्ड की सारी सेवाएं देती है, एक एप्लीकेशन को बनाया है एम आधार, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। एम आधार एप्लीकेशन में सबसे पहले बता दूँ कि आप सिर्फ अपने आधार कार्ड को कनेक्ट करके अपने मोबाइल में रख सकते थे और साथ में TOTP जनरेट कर सकते थे, बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते थे। लेकिन इसमें कुछ नए अपडेट किए गए हैं जिससे आप आधार कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सारे सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एम आधार एप्लीकेशन में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और उसकी जो एक छोटी सी रिव्यू होती है कि उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिशंकर और आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी चैनल। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहां पे एम आधार नाम के एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। एम आधार सबसे पहले में मिल जाएगा आपको। अब इसको सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो यह आपके मीडिया फाइल को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, इसे आप अलाउ कर देंगे। फिर आपके पास जो पिक्चर या वीडियो रिकॉर्डिंग की भी एक्सेस मांगेगा, उसे भी अलाउ कीजिए और डिवाइस लोकेशन को भी अलाउ कर दीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड सर्विस में आप इसे साइड वर्क करते हुए लास्ट में गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्रीमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर आई कंसेंट पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश चूज किया हुआ है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल रजिस्टर आपके आधार कार्ड से है। उसके बाद सिंपली से नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आती है, उस OTP को यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट करना है। उसके बाद सबमिट पे आपको सिंपली से क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखिए एम आधार एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो इसमें आपको प्रोफाइल कैसे बनाना है, तो सबसे ऊपर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा रजिस्टर माय आधार, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। उसके बाद आपको 4 अंकों का एक पिन बनाना है। पिन आप कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सकते हैं। पिन बनाने के बाद उसे फिर कन्फर्म करें। कन्फर्म होते ही आपका आधार कार्ड संख्या यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड संख्या आप यहाँ पे दर्ज आधार संख्या दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आती है, उस OTP को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। अब सिंपली से आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और जब यह वेरीफाई होगा तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड का आगे और पीछे का दिखाई पड़ जाएगा। आप अपने आधार कार्ड की सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहीं पे नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, TOTP जनरेट कर सकते हैं और VID अगर नहीं है तो उसे भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप अपने EKYC को भी अपने अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड में जो QR कोड होता है उस कोड को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है, जिसे कि ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री कहते हैं, उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने आधार कार्ड में किसी प्रकार की अपडेट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आधार अपडेट हिस्ट्री भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सर्विस पे। तो यहाँ पे यह एप्लीकेशन बहुत सारी सर्विस देती है, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। आधार कार्ड खो चुका है तो आप अगर उसे दोबारा से रिप्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, पेपरलेस KYC ऑफलाइन कर सकते हैं और QR कोड को किसी भी अन्य आधार कार्ड का या आप अपने ही आधार कार्ड का स्कैन कर सकते हैं, वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं, आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, QR कोड जनरेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो कि आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने EID या UID को भी सर्च कर सकते हैं और वैलिडेशन लेटर के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाती है, जिसका नाम है एम आधार। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको इसका रिव्यू दिया है और कैसे प्रोफाइल बनाते हैं यह बताया है। अगले
वीडियो में मैं आपको इसकी जितनी भी सारी सर्विसेज हैं इसका उपयोग कैसे किया जाए अलग अलग वीडियो बता के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए और मित्रों तक शेयर कीजिए।